हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे? आ जाओ, जो भी एसएसबी के लिए पढ़ना चाहता है वो प्लीज आ जाइए। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। ओके, जो जो एसएसबी में जाना चाहता है, आर्मी का सपना पूरा करना चाहता है, डिफेंस में अपने यहाँ पे बैचेस पहनना चाहता है, एयरफोर्स में जाके एक आपका एयर फाइटर उड़ाना चाहता है, अब अगला अभिनंदन बनना चाहता है, या नेवी में जाके देश के लिए सेवा करना चाहता है, INS अरिहंत विक्रमादित्य पे जाके देश को दिखाना चाहता है कि हाँ क्या कैसे सेवा करी जाती है, वो व्हाइट यूनिफॉर्म, वो ब्लू यूनिफॉर्म, वो ग्रीन यूनिफॉर्म पहना चाहता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पाए। या आपका एसएसबी सेशन लेके आता हूँ मैं प्रणव दत्ता, आपके लिए हर रोज शाम को 8:10 पे वाईफाई सेरेनी मेन चैनल पे, मंडे टू फ्राइडे। तो आज हमने तीन चीजें करनी है, ठीक है? आज पहले तो हम जो मैंने आपको पीपीटी दी थी आपके फोर्थ लेक्चर में, उसकी मैं क्या स्टोरी बनाता, पहले वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको क्या स्टोरी सुनाता। दूसरी हम करेंगे आज जो हमने कल वर्ड्स देख रहे थे उनको फिर से, जो बाकी के रिमेनिंग है, और मैं आपके लिए लेके आऊँ 10 वर्ड्स, ओरिजिनल वर्ड्स जो मैंने खुद सोचे हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कराऊँ, ताकि अगर आसान WAT आए तब भी आप अच्छा कर पाए, और अगर वर्स्ट आएगा तो वर्स्ट के लिए तो हम प्रिपेयर कर ही रहे। कहावत होती है ना कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड डू योर बेस्ट, राइट? हेलो, तो आज ही आज ही आज ही हेलो मिस्टर रजान, गुड इवनिंग। सुमित शर्मा, गुड इवनिंग। गीतांजलि पोखरियाल, जय हिंद जय हिंद। ओके, एंड वन मोर थिंग, मेरे को PIQ फॉर्म अब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सो व्हाट आई नीड इज, मेरे को हर एक PIQ फॉर्म को एक एनालाइज करने के लिए एटलीस्ट 1 आवर चाहिए। अब ये वीकडेज में पॉसिबल नहीं है, बट आई प्रोमिस यू दैट बाय दी वीकेंड ऑन सैटरडे मैं पर्सनली आप सबको, आपके जो मेल अकाउंट जिन पे मेरे को आया है, जहां से भी आया है, मैं आपको वहां पे पूरा भेज दूंगा। सेकेंडली, मैं मंडे को आपको पूरे PIQ फॉर्म का एनालिसिस दिखाऊंगा सबका, कि हाँ कहाँ किसने क्या गलती रही है और कैसे कैसे फॉर्म भरा है, ऑफ कोर्स हम नाम हाइड करके, ठीक है? तो आप जिन्होंने मेरे को भेजा उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे पे भरोसा दिखाया, मैं आपके भरोसे पे जरूर खड़ा उतरूंगा, और WAT का भी मैं चाहता हूँ रिस्पॉन्सेज आप ऐसे ही मेरे को मेल पे करिए। सर आपका वीडियो समझ में आया? ओके, कोई नहीं मिस्टर सांगमा जी, कोई नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई नहीं, पहले की वीडियो देखिए तब आप सहज से समझ पाएंगे। ओके, हेलो अक्षय पाटिल जी, आपका SSB हो रहा है, यहाँ पे SSB हो रहा है आपका, मिस्टर अनिल यादव। ओके, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट अ सेशन। ओके, पहले रहती है बात आपके PPDT की। इस PPDT को जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस PPDT को अटेम्प्ट करा। अब मैं होता तो मैं इस PPDT में क्या करता। ओके, मैं पहले आपको अपनी तरफ से एक स्टोरी सुनाऊंगा कि मैं इस PPDT में क्या करता। मेरी PPDT कुछ ऐसे होती, मैं पहले बताता, देर आर 5 कैरेक्टर्स इन द मूवी। वन यंग बॉय ऑफ द ईयर, रफली से लेट्स अराउंड 25 ईयर्स, इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। टू ऑफ देम आर एंजॉइंग अ बोट राइड एंड टू ऑफ देम आर वॉकिंग ऑन द रिवर बैंक एंड टू डॉग्स आर लुकिंग अप एट द बॉय। ओके, माई स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस, दैट अक्षय वॉज अ यंग हाइड्रोलेटिंग इंजीनियर हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। वन डे ही हैपन टू विजिट हिज होम टाउन, दैट इज अप नॉर्थ इन द हिमाचल प्रदेश। He went there and he saw that there was no connectivity across the two river banks and also that the river was very very dirty. Being a student of hydroelectricity, he talked to the electric manager of the area and gave him the importance of hydroelectric dam. The manager took his proposal to the DM office and got the hydroelectric dam, the project proposed. Then the river was clean and then a bridge was also built and डे बाई डे दी पॉपुलरिटी ऑफ द टाउन ग्रुप बिकॉज टाउन वॉज अ सीनिक ब्यूटी। सीनिक का मतलब आपका होता है जहाँ पे आपकी नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा हो, द टाउन वॉज अ सीनिक ब्यूटी। ऑल्सो अक्षय अलॉन्ग विद द मैनेजर एंड सम ऑफ द अदर सीनियर ऑफिशियल्स लॉन्च सम वाटर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज इन द रिवर ऑल्सो। द रिवर बैंक्स आर ऑल्सो क्लीन एंड मेड मेड एक्सेसिबल टू द ह्यूमन्स। द टूरिस्ट ग्रू, दी इकोनॉमी ऑफ द विलेज ग्रू एंड अक्षय वॉज अ हैप्पी मैन। एंड एट लास्ट वन डे इन द इवनिंग ही विजिटेड द विलेज एंड सॉ पीपल एंजॉइंग द सीनिक ब्यूटी एंड फेल्ट प्राउड दैट ओके ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड हिज होम टाउन फ्रॉम जस्ट अ विलेज टू अ सीनिक स्पॉट। सो दैट इज माई स्टोरी, थैंक यू जेंटलमैन। मैं आपको ऐसा स्टोरी सुनाता, अब मैंने आप सबकी स्टोरी पढ़ी एंड मत से कि आप सबकी स्टोरीज में वो बात थी कि हाँ आप एक ऑफिसर की तरह कर सकते हैं, कि आप एक ऑफिसर की तरह जा सकते हैं। ओके, दुधनाथ पासवान जी, मैं कहूंगा कि आप थोड़े से मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग को ठीक करिए।
हाँ अक्षय पाटिल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम वोटिंग करते देख सकते हैं लोगों को। मैंने उसको ये बता दिया कि सीन बाद में का है। अक्षय पाटिल जी, आप ये आपका फर्स्ट क्लास है ना? अक्षय जी आपका फर्स्ट क्लास है ना शायद से? अक्षय जी आप मेरे को बताइए, दिस इज अ फर्स्ट क्लास? आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए? आपने पहली क्लासेस भी देखी हैं? आपने ये पहली क्लास ली है या आप इससे पहले की भी देख चुके क्लासेस? क्योंकि अगर आप अभी देख के आए तो हाँ आपको ये फिर लगेगी कि सर अभी तो आपने रिवर्स मतलब साफ दिखाई है, लोग वोटिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहले क्या हुआ था, पहले अक्षय आया अपने ग्राउंड में, ये तो अभी इंजॉय कर रहा है सीन। हमने इसे थोड़ा पास दिखाया कि पहले ये इंजॉय नहीं कर पा रहा था क्योंकि ना यहाँ पे ब्रिज था और ना यहाँ पे लोग बोटिंग कर पा रहे थे। इसका ये मतलब है, ठीक है? इसका ये मतलब है। तो ये मेरी स्टोरी होती है जो मैंने आपको सुनाई कि हाँ मैं स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट करता। मैंने इसमें क्या दिखाया कि अक्षय ने अपनी एजुकेशन का यूज करा, ठीक है? अक्षय ने अपनी एजुकेशन का यूज करा। सेकेंड, अक्षय ने जो अपनी ओएल की उससे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उनका भी यूज करा। आप स्टोरी पे आपको इतनी क्रिएटिविटी होती है, आपको इतनी इंटेलिजेंस मतलब होती है इंडिपेंडेंस कि आप स्टोरी की लाइन को चेंज कर सकते हो। ये आपका प्रेजेंट का सीन है। आप इससे पास्ट में, इससे फ्यूचर में, इससे पहले, इससे लेफ्ट एंड राइट कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो और यही आपके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा आगे पीछे दिखाओ, थोड़ी हीरोइक क्वालिटी सिखाएं, उसको एक रियल लाइफ हीरो बनाएं। ओके हर्ष कुमार जी, मैं आपको यही कहूंगा, पहले की क्लासेस भी देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे अपने उस पे, ठीक है? देखिए मैं आपके लिए आज ये 10 वर्ड्स लेके आया हूँ, ये 10 वर्ड्स लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को कमेंट में सारे वर्ड्स का एक अच्छा सेंटेंस लिख के दिखाएं। शुरू करते हैं अपना, मैं इसको जूम करूंगा। कल हमने कहाँ तक कर लिया था, कोई मेरे को बताएगा? कल हमने कौन से वर्ड तक कर लिया था? आई थिंक हमने ट्रैफिक करना था, ठीक है? ट्रैफिक वर्ड, एक थोड़ा सा नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका सेंटेंस है गोदू क्या होता है? यस यस यस, वी आर गिवन अ ब्रेवरी टच एंड प्लस अ बेटरनेस ऑफ द कंट्री टच, कि हम कंट्री को और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है? थैंक यू अक्षय पाटिल जी, अगर आपने पहली की 5 वीडियो देखी तो मेरे ख्याल से फिर आपको पीपीटी आप अटेंड करनी चाहिए, कि बहुत बच्चों का आ रहा था डाउट्स कि सर आप एक स्टोरी बताओ जिससे हमें पता चले कि हमारे को कैसे एक पीपीटी अटेम्प्ट करनी है। तो मैं चाहूंगा आप भी एक अब अटेम्प्ट करें उन वीडियो के नीचे रखें। एक मैंने सेकंड वीडियो में दिए पीपीटी और एक आपके फोर्थ वीडियो में दिया, आप भी अटेम्प्ट करें। अब चलिए देखिए, ट्रैफिक एक आपका थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो सकता है, पॉजिटिव वो आपकी थिंकिंग ऊपर है। मैं कह रहा था, मैं क्या बोलता, आई पुट अ वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल एंड इट गॉट सो हिट दैट द ट्रैफिक टू माय वीडियो चैनल ग्रू, दैट द ट्रैफिक टू माय वीडियो चैनल ग्रू, मतलब मैंने यूट्यूब पे एक ऐसी वीडियो डाली जिससे वो हिट होगी और जो मेरे जो चैनल है उस पर जो भी लोग आ रहे थे उनका आना इंक्रीज हुआ, कि मेरे व्यूज इंक्रीज हो गए, मेरे विजिट इंक्रीज हो गए मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके अब आप लोग मेरे को ट्रैफिक के ऊपर एक हल्का सा जल्दी सा सेंटेंस बना के दिखाइए, एक बेहतरीन सा सेंटेंस बना के दिखाइए जैसे आप इसको दिखाते कि ट्रैफिक आप पॉजिटिव वे में लेंगे या नेगेटिव वे में। देखिए नॉर्मल एक बंदा होगा जो सिर्फ ऐसे एक लेमैन, क्योंकि आप डिफेंस के बच्चे हैं, आपका थिंकिंग है डिफेंस वाली होनी चाहिए, वो क्या करेगा, आई वाज स्टक इन ट्रैफिक एंड थस आई गॉट लेट फॉर स्कूल ऑफिस एक्सेट्रा। यस, बहुत बढ़िया रिजवान सारी जी, आपने लिखा प्लीज मेंटेन एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल टू कीप योरसेल्फ एंड अदर्स सेफ। वेरी गुड वेरी गुड, लिटिल बिट ऑफ एरर्स इन द ग्रामर बट आप उसको कर सकते हैं। मेरा भी फर्स्ट क्लास है सनी कुमार जी, मैं ये कहूंगा आप पहले की वीडियोस भी देखिए सनी कुमार जी, आपको पता चलेगा कि हाँ कि हमारे को क्या करना है क्या नहीं। आप पहले की वीडियोस भी जरूर देखिए। और कोई मेरे को बताना चाहेगा ट्रैफिक के ऊपर? ट्रैफिक के ऊपर हमें 35 वर्ड्स पूरे डिस्कस करेंगे तभी हम फिर आपके नेक्स्ट उस पर चलेंगे, और हर दिन जब तक ये 35 वर्ड्स खत्म नहीं हो जाते और थोड़े और, मैं आपको हर दिन 10 वर्ड्स दूंगा जो आपको वर्ड अटेम्प्ट करने हैं। और कोई मेरे को ट्रैफिक के ऊपर बताना चाहता है सेंटेंस कोई भी जो आपके समझ में आ रहा हो, कोई और मेरे को बताना चाहता है ट्रैफिक के ऊपर वर्ड, तो मैं पूरा तरीके से तैयार हूं। अगला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या है? ना डर, अफ्रेड का मतलब है डर। कोई एक नॉर्मल पर्सन होगा वो लिखेगा आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, या आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ। लेकिन अगर आप एक आर्मी एस्पिरेंट है तो आपको उसमें ब्रेवरी दिखानी है, उसमें अगर आप करेज दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसे लिखा है ब्रेव पर्सन आर नेवर अफ्रेड। सिंपल बट इफेक्टिव सेंटेंस, सिंपल है कुछ, उसमें कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, कोई बड़ी ग्रामर नहीं है, ठीक है, कुछ आसान सा सब कुछ। इसमें क्या है, आपने दिखा दी कि ब्रेव लोगों को कभी भी डर नहीं लगता, ब्रेव पर्सन आर नेवर अफ्रेड। मैं चाहता हूं आप भी इसे अटेम्प्ट करें। शुभम पाठक जी ओके, एक आपका अच्छा अटेम्प्ट है मैं कहूंगा। अब आप मेरे को अफ्रेड के ऊपर एक सेंटेंस बना के दिखाइए।
10 मिनट सेंटेंस विच यू नो हैज अ वर्ड अफ्रेड इन इट. अफ्रेड शब्द से एक मेरे को सेंटेंस बनाकर दिखाइए जिसमें आपका अफ्रेड एक शब्द है. जल्दी बताइए. जल्दी कम ऑन गाइस, कम ऑन. अफ्रेड शब्द से एक मेरे को सेंटेंस बताइए. यस, अफ्रेड इंडियन सोल्जर्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द एनिमीज ऑफ अदर कंट्रीज. विकास करा देती, गुड सेंटेंस, लेकिन ऑफ भूल गए आप. इंडियन सोल्जर्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द एनिमीज ऑफ द अदर कंट्रीज. पूजा चौधरी लिखती है, आई एम नॉट अफ्रेड टू सैक्रिफाइस मायसेल्फ फॉर द सेक ऑफ माय कंट्री. गुड सेंटेंस, अ वेरी गुड सेंटेंस. प्रमोद पाटिल जी लिखते हैं कि सोल्जर्स नॉट अफ्रेड ऑफ देयर लाइफ. नॉट अफ्रेड फॉर देयर लाइफ, ऑफ नहीं फॉर होगा प्रमोद पाटिल जी, फॉर होगा, फॉर. ओके, गीतांजलि पोखराल जी लिखती है, ट्रैफिक रूल्स आर हेल्पफुल टू सेव अ लाइफ. थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर बट एक गुड आपका होगा. एनिमी ऑलवेज अफ्रेड ऑफ आवर स्ट्रेंथ. एनिमीज आर ऑलवेज, आर ऑलवेज. ओके, अक्षय पाटिल दिखता है, आई एम नॉट अफ्रेड फॉर अ सैक्रीफाइस टू माय कंट्री. आई एम नॉट अफ्रेड टू मेक अ सैक्रीफाइस फॉर माय कंट्री होगा. अक्षय पाटिल जी, थोड़ा सा ग्रामेटिकल, क्योंकि ग्रामर का भी इसमें थोड़ा रोल होता है, हल्का सा आपको ग्रामेटिकल एरर पे थोड़ा सा सबको ध्यान देना होगा. ओके, रिजवान जी लिखते हैं, डोंट अफ्रेड टू डू एनीथिंग फॉर अ कंट्री. गुड सेंटेंस, अ वेरी पॉजिटिव सेंटेंस, और ये दिखा रहे हैं हाँ सबको अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. सो वेरी गुड अटेम्प्ट्स, वेरी एवरीवन, वेरी गुड अटेम्प्ट्स. मदन सिंह राठौर जी लिखते हैं, आर्मी ऑफिसर इज नॉट अफ्रेड इन फिटिंग. ओके, गुड 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 अटेम्प्ट. अगला होता है आपका कंपेल. कंपेल का मतलब होता है किसी को कंपेल करने का मतलब क्या हुआ, कि मैंने उसे कंपेल करा तू ये काम कर दे. किसी को यू नो इतनी हद में इरिटेट कर देना कि वो कंपेल को या तो उतना गुस्सा दिखा दे या वो काम कर दे. तो कंपेल से मेरे को बताइए. इन्होंने लिखा है, वी शुड नॉट बी कंपेल्ड बाय वर्स सिचुएशन. इसमें भी देखिए थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है. वी शुड नॉट बी कंपेल्ड बाय वर्स सिचुएशन, मतलब जो गंदी सिचुएशन होती है उनसे हमें कंपेल नहीं होना चाहिए, और कंपेल होकर हमें कोई गलत एक्शन नहीं लेना चाहिए. कंपेल से मेरे को बताइए आप जल्दी से सेंटेंस. गीतांजलि का भी एक अच्छा वो है अटेम्प्ट. मेरे को बताइए कंपेल से आपका क्या मतलब होगा. वी शुड नॉट बी कंपेल्ड बाय वर्स सिचुएशन. आप बताइए आप कंपेल से क्या लिखेंगे, आप कंपेल से क्या लिख सकते हैं, मेरे को जल्दी बताइए. व्हाट कैन यू राइट विद द वर्ड कंपेल, जल्दी मेरे को बताइए. मैं देख रहा हूं सबके सेंटेंसेस. अब जैसे मैं कंपेल होता, मैं बोलता आई वॉज नॉट कंपेल्ड बाय देयर हाउलिंग एज आई वॉज एडमेंट ऑन अचीविंग माई टारगेट. मतलब मैं उनके चढ़ाने से बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि मेरे को अपना लक्ष्य पाना था. आई वॉज नॉट कंपेल्ड बाई दी नेगेटिव कमेंट्स एज आई वॉज फोकस्ड सोली ऑन अचीविंग माई टारगेट. मैं उनके नेगेटिव कमेंट्स से नहीं कंपेल हुआ क्योंकि मेरे को अपना लक्ष्य पूरी तरीके से पाना था. ये क्या होगा, ये मेरा सेंटेंस होता है कंपेल के लिए. ठीक है, अब आप मेरे को बताइए कि आप कंपेल से क्या लिखेंगे. वी शुड बी कंपेल्ड विद यू. सौरव नोना जी, अटेम्प्ट अच्छा है लेकिन इस सेंटेंस का मेरे ख्याल से कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं निकलेगा. एवरीवन इज रेडी फॉर कंपेल फॉर वर्स सिचुएशन. नो प्रमोद पाटिल जी, आप कह रहे हैं कि वर्स सिचुएशन आएगी और हम कंपेल हो जाएंगे, कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे, तो ये आपका एक गलत अटेम्प्ट हो गया. प्रमोद पाटिल जी, इसका मतलब समझिए, एवरीवन इज रेडी फॉर कंपेल फॉर वर्स सिचुएशन, मतलब कोई गलत सिचुएशन आई तो आप कंपेल हो जाएंगे, इसका ये मतलब हो रहा है अगर इंग्लिश में निकाले. हर्ष कुमार जी, आप अफ्रेड हो गए, आप मेरे को कंपेल का मतलब बताइए कि कंपेल का मतलब क्या होगा. बाकी अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है, कोई कमजोर इन द सेंस उसको ग्रामेटिकल कुछ है, तो सुनील सर की क्लासेस अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. सुनील सर की क्लासेस अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. सुनील सर बेस्ट इंग्लिश फैकल्टी है डिफेंस के. ओके, चलिए कंपेल आप छोड़िए. अब अगला वर्ड आता है करेज. करेज से तो सब कर लेंगे, करेज से तो सब कर लेंगे ना, क्योंकि करेज एक ऐसा शब्द है जो आपका पॉजिटिव वर्ड है. मैंने आपको कल भी बताया था, एक होता है आपका क्या नेगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव. पॉजिटिव सब बना लेते हैं, एवरीवन कैन आंसर, लेकिन नेगेटिव वही बना पाते हैं जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं. अब आप मेरे को बताइए करेज से, करेज से क्या होगा आपका सेंटेंस, मेरे को बताइए. आप कंपेल छोड़े, करेज से बताइए. हाँ ये अच्छा, मदन सिंह जी का अच्छा हुआ, आई वॉज नॉट कंपेल्ड एट एनी. वेरी गुड विकास प्रसाद जी, दोनों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा. मेरे को करेज से बताइए. करेज से मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने इमेजिनेटिव हैं, कि आप करेज को कितने और तरीकों से यूज कर सकते हैं. इन्होंने लिखा है, अनिल फोर्टिस इलनेस विद ग्रेट करेज. ठीक है, इन्होंने एक रियल लाइफ सिचुएशन दिखा दी. इन्होंने कोई आर्मी से नहीं जोड़ा, कोई फोर्स नहीं जोड़ा, से इन्होंने रियल लाइफ एक सिचुएशन दिखा दी कि मैं कंपेल नहीं हुआ, कि मैं कंपेल नहीं हुआ. और अनिल, सॉरी, मैं करेज से मैंने अपनी बीमारी से लड़ाई करी. अनिल ने बीमारी से अपनी एक अच्छे तरीके से लड़ाई करी, इन्होंने मेरे को ये बताया.
दीक्षिता चिरंजी लिखती है, वन शुड नेवर बी कंपेल्ड बाय समवन एल्स शॉट, अ वेरी वेरी ब्रिलियंट सेंटेंस बाय रिक्षिता जी, वेरी गुड सेंटेंस, वेरी गुड, वेरी गुड शुभम पाठक जी। एक अच्छा थोड़ा ग्रामेटिकल है, अब सुबह काम करना पड़ेगा आप सबके साथ मेरे को, हम ग्रामेटिकल में भी काम करेंगे। रिजवान अंसारी जी कहते हैं, इफ यू कंपेल मी ऑन माय स्ट्रेंथ आई बिकम अ मैन व्हिच यू नेवर थिंक्स इवन इफ यू ड्रीम, वेरी गुड वेरी गुड। ही सेव्स हिज कंट्री विद करेजियसली, विकास वारा जी आपका मीनिंग अच्छा है लेकिन ग्रामेटिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रामर में आपकी थोड़ी सी गलती है। ही सेव्स हिज कंट्री विद करेज, या लिखेंगे आप ही सेव्स हिज कंट्री करेजियसली, एवरीवन करेजेस यू, नहीं वो एनकरेज होता है सौरभ नोनिया जी, वो एनकरेज होता है मतलब प्रोत्साहन देना। आई करेज ऑन माई नॉलेज जी, नहीं ये नहीं होता, आपको वो होता है प्राइड, आई टेक प्राइड ऑन माई नॉलेज, मतलब मेरे को मेरी नॉलेज पे भरोसा है। लेजेंड गेमिंग जी कैसे हैं आप तो कल गेम खेलने आ रहे थे, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा आपने लिखा है, आई हैव एनफ करेज टू फेस लायन, वेरी गुड, मतलब दिखा रहे हैं हाँ ठीक है आप अपनी करेज दिखा रहे हैं। पूजा चौधरी लिखते हैं, आई हैव करेज दैट आई कैन फेस एनी वर्स्ट सिचुएशन, वेरी गुड, वन शुड हैव एनफ करेज टू डील विद एनी सिचुएशन, दीक्षिता जी वेरी गुड सेंटेंस। चलिए हो गया, अब आप मेरे को बताइए डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन से मतलब टिके रहना, विल पावर, विल पावर क्या है आप मेरे को ये बताइए। निधि शर्मा जी मैं यहाँ पे जो ये सेंटेंसेस इनको बता रहा हूँ कि आपको थिंकिंग कैसे खोलनी है, मैं आप लोगों का दिमाग खोल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ कैसे कैसे वर्ड आते हैं और आपको कैसे कैसे थिंकिंग खोलनी है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ अभी, और हमने कुछ नहीं करा। बताइए कि अब आप डिटर्मिनेशन से क्या करेंगे, इन्होंने लिखा है दोज हू सक्सीड बिकॉज ऑफ शीयर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, मतलब ठोस मेहनत और अपने दिमागी ताकत से ही आप कोई सिचुएशन में जीत सकते हैं। आप मेरे को बताइए डिटर्मिनेशन से क्या सेंटेंस क्या होता है, डिटर्मिनेशन से आप मेरे को सेंटेंस बताइए। अब आई हैव फेथ ऑन माई, आई करेज ऑन माई कंट्री, ग्रामर मिस्टेक है, आई मैनेज करेज टू डू एनीथिंग फॉर आवर कंट्री, वेरी गुड वेरी गुड। अंकित राणा जी होल वर्ल्ड फाइटिंग विद कोविड विद ग्रेट रेड इज ओके, मैन विथ करेज वी सी एनिमी, आई एम डिटरमाइंड फॉर माई सिलेक्शन इन इंडिया, वेरी गुड। अक्षय पाटिल जी सुपर्ब आंसर, इन्होंने अपनी रियल लाइफ सिचुएशन दिखा दी कि मेरे को भैया इंडिया में अच्छे से करना है तो इसलिए मैं करेज हूँ पूरा, वेरी गुड। आई वॉन्ट टू करेज एवरी पीपल हु इज होपलेस, आई वॉन्ट टू गिव करेज, मिस्टर पासवान आपको ये बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट टू गिव करेज, थोड़ा ग्रामर पे आप लोगों के साथ मेरे को काम करना पड़ेगा लेकिन कोई नहीं, इसी में मजा है, जीरो से शुरू करने में यही मजा है सबको, कि जब आप ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचते तब लगता है यार कहाँ से स्टार्ट करा था और आप कहाँ पे हैं, तो इसमें मजा आएगा आने वाला है गाइस, मेरे को लग रहा है बहुत मजा आने वाला है। और इस सीरीज के बाद मेरे को लगता है आप सब एटलीस्ट स्क्रीन आउट होके तो नहीं हो गया, आप में इतना कॉन्फिडेंस मैं डाल दूंगा। एवरीवन शुड बी करेजियस, वेरी गुड। गीतांजलि पोखराल जी ने एक लाइफ के बारे में बोल दिया कि हाँ सबको लाइफ में करेजियस होना चाहिए, वेरी गुड वेरी वेरी गुड। माय डिटरमिनेशन इज टू क्लियर यूपी, ओके निधि शर्मा जी गुड, आई एम डिटरमाइंड टू अचीव माय गोल्स, लेजेंड गेमिंग है, थोड़े से नटखट लेकिन सेंटेंस अच्छे बोलते हैं, सिंपल बट वेरी यू नो विजिबल सेंटेंस जिसमें दिखाता है कि हाँ डिटरमिनेशन है, गुड अटेम्प्ट मिस्टर लेजेंड गेमिंग, आपका मेरे को असल नाम नहीं पता, आई विल डू माई टास्क विद डिटर्मिनेशन, अ वेरी गुड अटेम्प्ट, आई मस्ट से विकास परादा जी आपने कह दिया कि मैं हर अपना काम, आप दिखा रहे हैं इन्होंने क्या करा सेंटेंस में, इन्होंने दिखाया कि मैं अपना हर काम डिटर्मिनेशन के साथ करता हूँ, तो जो साइकोलॉजिस्ट होगा भाई कह रहे हैं कि अगर ये बंदा अपनी लाइफ में हर काम डिटर्मिनेशन के साथ करता है और अगर हम इसे आर्मी में चूज करें मतलब ये आर्मी के सारे काम भी डिटर्मिनेशन के साथ करेगा, तो विकास परादा जी वेरी गुड क्लेवर आंसर, सिंपल इफेक्टिव आंसर, वन शुड हैव डिटर्मिनेशन टू अचीव वन गोल, वेरी गुड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सक्सेस, तो वेरी गुड, आई एम अमेज, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सबका, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वेरी गुड ऑसम रिस्पॉन्स। अब बताइए डेरिंग से, डेरिंग से सेंटेंस बताइए मेरे को, इन्होंने लिखा है माउंटेनियर्स आर डेरिंग इन नेचर, डेरिंग से मेरे को बताइए जल्दी से कि डेरिंग से क्या बनाएंगे आप। आई एम रीडिंग ऑल दी आंसर्स एंड आई मस्ट से दैट आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड, मतलब मेरे को जो बैच मिला है ना इस बार वो बहुत बढ़िया मिला बच्चों का, और मेरे को लग रहा है हम सारे इतिहास रच देंगे कि पहली ऐसी ऑनलाइन कोचिंग होगी जिसने ऑनलाइन ही SSB देके, ऑनलाइन SSB की ट्रेनिंग देके सबको SSB में एक्सपीरियंस बना दिया, मेरे ख्याल से हम पहले ऐसे होंगे, और मेरे को पूरा विश्वास है अगर आप लोगों ने साथ बनाए रखा तो मेरे पास तो भैया मटेरियल बहुत है, मेरे पास तो दिमाग भी बहुत है, मैं आप लोगों को पक्का एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ छोटी बात कह रहा हूँ शाम के टाइम पे, लेकिन मैं आपको SSB में स्क्रीन आउट तो नहीं होने दूंगा,
मैं इतनी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा कि कोई बच्चा वाईफाई स्टडी का स्क्रीन आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। अब आप मेरे को डेयरिंग से एक सेंटेंस बना के दिखाइए। डिस्कशन रह गया अक्षय पाटिल जी, कोई नहीं, हम उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं, मेरे पास उसके लिए भी प्लानिंग है। हम कुछ ऐसा देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जिससे हम डिस्कशन भी कर पाए कुछ बच्चों के साथ, यू नो बैचेस में, मैं उसके लिए कर रहा हूं। डेयरिंग 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 नहीं डेयरिंग, वेरी गुड रिजवान अंसारी जी, वेरी गुड। इन्होंने लिखा सोल्जर्स हुआ डेयरिंग इन नेचर कैन डू एनीथिंग फॉर अवर कंट्री, अ वेरी गुड अटेम्प्ट। आई मस्ट से दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट चाइल्ड इन दिस होल क्लासरूम। बिल्कुल हर चीज में अटेम्प्ट कर रहे हैं, पी आई क्यू भेजा, पीपीटी भेजा, और ऐसे बच्चे ही अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे बच्चे क्लियर करते हैं, और ऐसे बच्चे कमीशन ऑफिसर बनते हैं और मेरे रियल लाइफ हीरोज में फीचर होते हैं। तो वेरी गुड रिजवान, आई एम वेरी इंप्रेस बाय यू। निधि शर्मा कह रही है इट इज डेयरिंग टू गो आउटसाइड ऑफ होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। आपने ये ना थोड़ा फनी वे में कह दिया, सेंटेंस ठीक है, मीनिंग भी ठीक है, बट आर्मी ऑफिसर को शायद ये पसंद ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा डिस्कशन वर्ड रह गया, अच्छा ठीक है अभी करते हैं। ओके हम इसके बाद वही कर लेते हैं डिस्कशन। डेयरिंग इज एसेंशियल इन द सेंचुरी टू बी सक्सेसफुल। ओके आकाश वाजी जी कह रही है डेयरिंग होना पड़ेगा, सक्सेसफुल होना तो अपने आप को डेयरिंग होना मांगता है। डेयरिंग एडवेंचर ब्रिंग्स आउट जील अमंग पार्टिसिपेंट, वेरी गुड अटेम्प्ट अंकित राणा जी। लेजेंड गेमिंग जी आई मस्ट से दैट यू आर अ लिटिल नॉटी बट यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। सो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड अटेम्प्ट। चलिए अब डिस्कशन रह गया ना, मेरे को लगा अक्षय पाटिल जी कह रहे हैं कि डिस्कशन क्या करेंगे, तो चलिए अब डिस्कशन के ऊपर बता दीजिए। उन्होंने लिखा है इन डिस्कशन पॉजिटिव पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड, वेरी गुड। हर एक डिस्कशन में आपको नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करना, पॉजिटिव पॉइंट्स को करना है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर ये देखेगा कि क्या ये बच्चा इतने सारे डिस्कशन में जो लोग बोल रहे हैं क्या उसमें से ये पॉजिटिव पॉइंट्स को छांट पा रहा है, आपको ये देखना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप डिस्कशन पे आ जाइए, अब आप डिस्कशन पे आ जाइए जल्दी से, डिस्कशन छूट गया था ना, आप सारे डिस्कशन पे आइए जल्दी से। कम ऑन गाइस, फास्ट 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 फास्ट, यू हैव टू बिकम आर्मी ऑफिसर्स, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऐसे एयरफोर्स नेवी सबके ऑफिसर बनना, और हम आपको क्लियर करवाएंगे। करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डिफेंस चैनल पे भी आना है। अब आप जल्दी से मेरे को बताइए डेयरिंग का मतलब तो हो गया, डिस्कशन से बताइए। वेरी गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट। अदेश भोयार जी, शुभम पाठक जी, पूजा चौधरी जी, वेरी गुड अटेम्प्ट। आई मस्ट से आप सारे क्लियर करने योग्य हैं, आप में इतनी क्षमता है कि आप एटलीस्ट स्क्रीन आउट होकर नहीं आएंगे। मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा, छोटा मुंह छोटी बात, मैंने कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको एटलीस्ट स्क्रीन इन तो करवा दूंगा, और मैं दावा देता हूं अगर आपने मेरे साथ जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत कर ली तो आप स्क्रीन इन के आप कमीशन ऑफिसर्स बन जाएंगे। डिस्कशन शुड नेवर लीड टू डिटेल, ब्रिलियंट आंसर अक्षय पाटिल, अक्षय पाटिल दैट इज अ ब्रिलियंट आंसर। डिस्कशन शुड नेवर लीड टू अ डिबेट, वेरी गुड। इन्होंने दिखा दिया कि आर्मी में डिस्कशन चाहिए, डिबेट नहीं, बहुत बढ़िया। डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक हेल्प टू गेन अदर थॉट्स अबाउट एनी टॉपिक, लेजेंड गेमिंग अगेन अ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। रिजवान इज ऑल्सो गुड, विल गेट बेटर आउटकम विद मोर डिस्कशन, अ वेरी गुड आंसर। आकाश वाजे जी डिस्कशन इज नीडेड, थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर, इज नीडेड टू क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके वी शुड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन बिफोर वोटिंग। ओके अभिषेक तिवारी, वैसे अभिषेक जी मैं बता दूं, वोटिंग से पहले आपको डिस्कशन करना नहीं चाहिए, वैसे ये कहते हैं कि इट्स एन अनएथिकल प्रैक्टिस, यू शुड वोट अकॉर्डिंग टू योर कंसाइनेंस। आपको ना फैमिली से डिस्कशन करनी है चाहिए ना कुछ, क्योंकि आपको ये दिखा रहा है कि हाँ आप जो मतलब जो आपके ग्रुप में लोग कहेंगे मैक्सिमम नंबर्स में आप उसके साथ चले जाएंगे, तो इसलिए ये सेंटेंस है तो ठीक लेकिन थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन आपका छोड़ सकता है, तो इसलिए मैं कहूंगा इसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि दिखा रहे कि आप वोट करना जो एक सबका एक इंडिविजुअल राइट है, जो एक सबका फंडामेंटल राइट है, आप उसको भी कह रहे हैं कि हाँ मैं दूसरे से पूछ के करूंगा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। ओके मदन सिंह जी थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर बट अ गुड अटेम्प्ट आई मस्ट से, थैंक यू आईपीएस आकाश चौहान जी, थैंक यू थैंक यू। यस 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 यशिका रॉयल इज सेइंग आई डू डेयरिंग विद माई एग्जाम, ओके मतलब आप एग्जाम डेयरिंग करके देती हैं, चलिए शाबाश। दीक्षिता जी इज ऑल्सो अ वेरी ब्राइट गर्ल,
शी इज ऑल्सो सेइंग गुड थैंक यू सो रीड माई व्यू यस आई रेड योर व्यू मिस्टर मदन सिंह जी मैंने बोला थोड़ा ग्रामेटिकल का है मिस्टेक ग्रामर पे काम करेंगे हम आपके वेरी गुड धीरज चलक जी अब अगला वर्ड है आपका क्या डैमेज डैमेज इन्होंने लिखा अर्थक्वेक कॉज सीरियस डैमेज ओके अब आप मेरे को बताइए डैमेज क्या होगा डैमेज बताइए डैमेज से क्या बनाएंगे आप डैमेज से कौन सा शब्द बनाना चाहेंगे आप मेरे को ये बताइए डैमेज से देखिए डैमेज एक आपका नेगेटिव वर्ड है डैमेज का मतलब आपका तोड़फोड़ अब तोड़फोड़ को कैसे आप एक पॉजिटिव सेंस में लेके आ सकते हैं वो आपको बताना है लेजेंड गेमिंग अगेन अ वेरी वेरी क्विक रिस्पॉन्स एंड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन्होंने लिखा है वॉयलेटिंग द रूल डैमेजेस इंप्रेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आप रूल्स को तोड़ते हैं उनको डैमेज करते हैं तो आपका इंप्रेशन और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको अगर आप और चीजें पढ़ेंगे पता चलेगा मैं ये जो ब्रेवरी डैमेज डेंजर डेयरिंग इनके ऊपर मैं ये तो नहीं कह रहा सीरीज बट मैं डेली 2:30 PM पे वाईफाई सिटी डिफेंस चैनल पे मैं डेली क्लास लेके आता हूँ नो योर रियल लाइफ हीरोज तो उसमें जरूर देखिए आप उसमें डैमेज के बारे में आपको बताता हूँ आज जब मैंने जिनको क्लियर करा जो मैंने जिनको आज कवर करा वो थे आपके ब्रिगेडियर चंदपुरिया जिनका रोल आपके सनी देओल ने 1997 वॉर मूवी बॉर्डर में करा था उन्होंने अलोंग विद अ प्लाटून ऑफ 120 ठीक है 120 सोल्जर ही टुक ऑन पाकिस्तान आर्मी जिसमें आपके 2,000 से 3,000 सोल्जर्स थे एंड समवॉट अराउंड 60 टैंक्स थे एंड द अवार्ड उनको जो मिला था वो था महावीर चक्र बिकॉज द अटैक वॉज सो गुड सो डेयरिंग सो एंडियरिंग दैट इट डैमेज द आर्मीज परसोना द एनिमीज आर्मी और उनके जो एनिमी थे वो अपने 12 टैंक छोड़ के भागे 12 टैंक छोड़ के भागे और ये पूरी रात लड़े जब तक सुबह उनको रीइन्फोर्समेंट नहीं आ गई एयरफोर्स के द्वारा तो ऐसे शोज भी आप देखा करें आपको पता चलेगा कि कैसे एक नेगेटिव वर्ड को आपको अच्छा बनाना है जरूर जाके देखना उसको आई डैमेज ऑल द पेपर नो यशिका रॉय जी ये नहीं डैमेज नहीं होगा ओके वी शुड रिकवर फ्रॉम एनी डैमेज वेयर अवर गुड वेरी गुड आई डैमेज यस मेरा प्लस कोर्स है रॉक्सी सिंह जी मैं उसको आपको बताऊंगा मेरा प्लस कोर्स है ओके आदेश बोयार जी इट्स अ गुड अटेम्प्ट आप ये बता रहे हैं कि अगर आप फोकस करेंगे तो आपको लाइफ में मिल सकता है गुड हाँ वेरी गुड हाँ रॉक्सी सिंह जी मेरा प्लस कोर्स है मेरा इंडिया का करंट अफेयर का क्रैश कोर्स चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं प्लस को जाके प्राणा ट्रेन का कोड यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा यू डैमेज माई व्यूज बट डोंट डैमेज माई सक्सेस ओके गुड अटेम्प्ट वेरी गुड अटेम्प्ट ओके दीक्षिता चेरिंग जी एक अच्छा था चलिए आपने कोई डिलीट कर दिया चलिए कोई नहीं ओके अगला वर्ड ईगर ईगर का मतलब क्या होता है उत्सुक कि राजू वाज ईगर टू सी द रिजल्ट अब ईगर वही बंदा होगा जिसको एक्साइटमेंट होगी कार्तिक कुमार जी नहीं ये सिर्फ आपकी SSB की क्लास चल रही है और स्टेनो की क्लासेस की अलग होती है इसी चैनल पर नहीं मिस्टर पासवान ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ टोटली डैमेज है और आपने अपनी लाइफ से होप खो दी है और एक आर्मी ऑफिसर नेवर बैक्स डाउन एन आर्मी ऑफिसर नेवर क्विट्स और आपकी क्विटिंग पर्सनालिटी दिखा रहा तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस आपके एक नेगेटिव इमेज बनाएगा और आपको ये रिजेक्शन की ओर लेके जा सकता है हाँ शुभम बाटक वेरी गुड आर्मी ऑलवेज डैमेज एनिमी इंटेंशन गुड आई एम लेजेंड गेमिंग यू आर क्वाइट अ कैरेक्टर यू आर क्वाइट अ कैरेक्टर वेरी गुड वेरी गुड ही सेड कि आई एम ईगर टू प्ले फ्री फायर अ वेरी गुड अटेम्प्ट बिकॉज चलिए कुछ भी बोला इन्होंने कहा कि हाँ मेरे को गेम खेलने के लिए ईगर उन्होंने एटलीस्ट सेंटेंस अटेम्प्ट करा सो आई मस्ट से सर मेडिकल में टीथ टेस्टिंग के बारे में बताइए शशि चौहान जी टीथ टेस्ट नॉर्मल होता है बस आपका देखते हैं कि कैविटी नहीं होनी चाहिए तो मैं कहूँगा आप SSB में जाने से पहले एक बार कोई भी जो आपका हो ना कोई डेंटिस्ट उससे आप चेकअप करवा लीजिए पूजा चौधरी सिंह ओके वी शुड बी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ अ वेरी गुड अटेम्प्ट आई एम वेरी ईगर टू नो माई प्रीलिम्स रिजल्ट ओके गुड दीक्षिता चेरिंग इज वेरी गुड Eager to become successful, I'm eager to join armed forces with our, for my country and my friends. Sakshay Patel, a very good attempt. Okay, Ankit Rana, very good attempt. Eagerness bring out new inventions. So, okay, I'm eager to meet you. Okay, thank you. Agla attempt, easy. नहीं, अगला attempt है क्या? अगला question है क्या? आपका earn. Earn का मतलब क्या होता है? कमाना.
या तो आप कमा सकते हैं रिस्पेक्ट, या तो आप कमा सकते हैं पैसा। अब मेरे को ये देखना है कि आप क्या कमाना चाहते हैं, मेरे को देखना आप क्या कमाना चाहते हैं। आप कमाना चाहते हैं रिस्पेक्ट, ऑनर, प्राइड, या आप कमाना चाहते हैं पैसा। और यही एक साइकोलॉजिस्ट देखेगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं देखने में आसान, पढ़ने में आसान, लिखने में आसान, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। क्या आपको आर्मी की तरह पैसा खींच के लेके आ रहा है, क्योंकि आई मस्ट से वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड, या आपको आर्मी में देश की प्राइड, ऑनर एंड वेलर लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है आपको, क्या कमाना चाहते हैं आप इस आर्मी की जॉब के साथ, ये साइकोलॉजिस्ट देखेगा। ये ट्रिक वर्ड्स होते हैं, दीज वर्ड्स आर ट्रिक वर्ड्स, ये आपके ट्रिक दिखाते हैं। ये आपको साइकोलॉजिस्ट ने पकड़ लिया कि अगर ये लिखता है मेरे को पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, तो मतलब ये आर्मी में पैसा कमाने ही आ रहा है, और क्या पता मुश्किल की घड़ी में छुट्टी लेके घर पे बैठ जाए। और अगर आपको ये दिख रहा है कि हाँ, अगर आप ये बता रहे मेरे को ऑनर प्राइड, तो आर्मी वो साइकोलॉजिस्ट कहेगा यस, ये आर्मी में देश के लिए आ रहा है, पैसा इसके लिए बाद में आता है। और मैंने अभी पढ़ा था कि प्रमोद पाटिल जी ने पीवीसी इज अर्न, प्रमोद पाटिल जी थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर, लेकिन अच्छा अटेम्प्ट, पीवीसी इज अर्न बाय ग्रेट सैक्रिफाइसेस, गीतांजलि आई एम क्लियर टू, ओके। लेजेंड गेमिंग का बहुत बढ़िया आंसर है, वी शुड फोकस टू अर्न नॉलेज बट नॉट मनी, वी शुड फोकस ऑन अर्निंग, मिस्टर लेजेंड, वी शुड फोकस ऑन अर्निंग नॉलेज एंड नॉट मनी, तो बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड दीक्षिता जी, अर्न रिस्पेक्ट एंड प्राइड विद योर ऑनेस्ट एंड ट्रू नेचर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो सब पढ़ने वाले बच्चा, मेरे को बहुत अच्छा लगा है देख के यार, कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली यू नो अमेज्ड कि सारे पढ़ने वाले बच्चा आए हैं, तो आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, हाँ वेरी गुड। धीरे चले जी, हाउ मच मनी यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, यू आर आस्किंग मी, और ये आपका एक मतलब सेंटेंस है। अच्छा ठीक है, अगला एको, एको का मतलब क्या होता है, गूंजना होती है ना, माउंटेन से जाता है बोलते हैं हेलो तो वो गूंजता है, आपको ये बताना एको क्या होगा। एको से इन्होंने लिखा इट एकोड वाइल बी शॉर्टेड, जो मैंने बोल दिया, एको एक आपका डिफिकल्ट वर्ड हो गया, क्योंकि इससे दिमाग में सेंटेंसेस बहुत कम आएंगे, आपको बताना आप एको से क्या बोल सकते हैं, एको से बताइए, एको से क्या बोलेंगे आप। यस वेरी गुड, एको से बताइए आप, एको से क्या बोलेंगे, लाइफ इज नॉट इजी, ओके। अच्छा इजी रह गया, ओके 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 ठीक है, इजी है पहले, एको बाद में, पहले इजी है, इजी का वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इजली, ओके गुड, पहले आपके इजी है, एको नहीं है, एको नहीं है। मिस्टर लेजेंड गेमिंग ने बहुत अच्छा लिखा, लाइफ इज नॉट इजी, वी हैव टू मेक इट इजी बाय हार्ड वर्क, हाँ जी इजी पे आ गया, द सक्सेस शुड इको विद साइलेंट लेबर, वेरी गुड नितिश शर्मा जी, हाँ जी मैं इजी पे आ गया। मिस्टर लेजेंड आपका असली नाम क्या है, मैं आपको क्या बोलूं, यस मिस्टर पूर्णिमा की रसोई, मेरे से पूछे क्या सवाल है आपका, पूछिए मैं तैयार हूँ आपका आंसर देने के लिए, मेरे से पूछिए। गुड अक्षय पाटिल जी, इज टैलेंट अकॉर्ड इन द स्टूडेंट्स, गुड। आदेश बोहार जी, मैंने कल ही बताया था, वो नहीं बताना, मीनिंग नहीं बताना सेंटेंस पे, कि जैसे रेड इज अ थ्री लेटर वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस नहीं चलेंगे। हाँ आगरा में भी बहुत अच्छा लिखा, इन बैटल फेस साउंड ऑफ पैट्रियोटिज्म, वेरी गुड वीरेश सरपल्ली जी, वेरी गुड। प्रमोद पाटिल जी ने इसे लिखा, वेरी गुड। नहीं दीक्षिता जी आप ये बता रही कि मैं एको वर्ड के क्रॉस, आपको उसका मीनिंग दिखाना है, इसमें मीनिंग नहीं पता लग रहा ना, इसमें मीनिंग नहीं पता लग रहा, आपको सेंटेंस के थ्रू उसका मीनिंग बताना, ना कि डायरेक्ट मीनिंग बता दो ऐसे, ओके। आई कॉल यू मिस्टर लेजेंड और आई कॉल यू मिस्टर गेमिंग, ओके, मैं आपको मिस्टर गेमिंग बुलाऊंगा, ओके। अब इजी से बताइए मेरे को, इजी से क्या होगा, टेल मी अ सेंटेंस विद द वर्ड इजी, टेल मी अ वर्ड विद द सेंटेंस इजी, सॉरी टेल मी अ सेंटेंस विद द वर्ड इजी, इजी से मेरे को बताइए इजी क्या होगा,
वेरी गुड यशिका रॉय जी, यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वॉट, समझा नहीं. इट इज नॉट डीड. नहीं, निधि शर्मा जी दिखा रहा है कि आप पहली गिवअप करके बैठी हैं. ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा. इट इज नॉट इजी टू क्रैक यूपीएससी, नो ये नहीं चलेगा. आप ये दिखा रहे हैं कि यू नो आप गिवअप करने वाली हैं. आपने पहले ही ठान के माना है कि अगर मैं तैयारी भी करूंगी तब भी ईजी नहीं है क्रैक करना. तो इट शोज अ नेगेटिव साइड ऑफ यू नो आपकी जो बॉडी की एक नेगेटिव साइड दिखाता है. बॉडी से मतलब जो आपकी माइंड बॉडी उसके एक नेगेटिव साइड दिखा रहा है, तो ये गलत है. आप ऐसे नहीं बोलेंगे इट इज नॉट इजी टू क्रैक यूपीएससी. आप ये बोलेंगे ठीक है, इट इज इजी टू क्रैक एनी एग्जाम इफ यू डू इट विद फुल डिटर्मिनेशन. आप ऐसे बोलेंगे ओके कि इट इज इजी टू क्रैक एनी एग्जाम इफ वी यू नो ट्राई टू अचीव इट विद फुल डिटर्मिनेशन ग्रिट. आप ऐसे ऐसे बोलेंगे. हाँ तो प्रमोद पाटिल जी यूज द गुड द एकर टेक्नोलॉजी यूज इन द शिफ्ट, वेरी गुड. वी शुड ट्राई टू मेक थिंग्स इजी टू गेट मैक्सिमम. द बोर्ड पेपर वॉज रियली इजी लास्ट टाइम, वेरी गुड दीक्षिता चिरिंग जी. ओके थैंक यू धीरज सालिक जी, थैंक यू. आर्मी लाइफ नो 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 मिस पासन अगेन. आप ये दिखा रहे हैं आर्मी की लाइफ ईजी नहीं है, तो पूछेगा फिर आप आर्मी में आना क्यों चाहते हो. अगर आप ये कह रहे हो कि आर्मी की लाइफ ईजी नहीं है, आर्मी की लाइफ ईजी नहीं है, तो आप ये वो पूछेगा फिर आप आना तो आप आना क्यों चाहते हो. ओके सो ऐसा नहीं बोलेंगे आप. ओके गुड. ओके ओके सो हमने आज एको तक कर लिया, हमने आज एको तक कर लिया. कल हम कोशिश करेंगे मैं और लेके आऊं और कुछ और वर्ड्स लेके आऊं. कल फिर मैं और कुछ शुरू कर दूं. मैं कोशिश करूंगा क्योंकि आपको वर्ड एप्टीट्यूड भी करवाना बहुत जरूरी है, मेरे को आपकी ग्रामर पे भी करना है. ओके तो आते हैं अब आपके आज के होमवर्क पे. और आपका आज का होमवर्क है ये 10 शब्द. मैं चाहता हूं एवरीवन हु इज सीरियस फॉर डूइंग एसएसबी, हु इज सीरियस फॉर क्लियरिंग एसएसबी, प्लीज अटेम्प्ट दीज 10 वर्ड्स. इन 10 शब्दों का प्लीज अटेम्प्ट करिए ताकि आपको पता चले हाँ मेरे को क्या करना क्या नहीं, और मैं आपको करेक्ट कर पाऊं. या तो आप मेरे को मेल पे भेजो या आप इनको नीचे कमेंट में लिख दो. ओके 10 शब्द है आपके, ये हैं आपके 10 वर्ड्स. पहला वर्ड है आपका लैपटॉप, दूसरा है आपका रोप, तीसरा है आपका सेल्स, फोर्थ है आपका पांडा, फिफ्थ है आपका शूज, सिक्स्थ है आपका विस्की, सेवन्थ आपका ड्रग्स, एट्थ है आपका एसिड, नाइन्थ आपका कैलरीज, और 10 है आपका फेसबुक. लैपटॉप मतलब जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है. फिर होता है आपका रोप, ठीक है. फिर आता है आपका सेल्स. अब सेल आप कोई भी ले सकते हैं, बॉडी के सेल्स ले सकते हैं, ठीक है, जो हम सेल्स उसमें लगाते हैं. सर डे टू के नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताइए. रिजवान जी अभी थोड़ा सा वेट, क्योंकि मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ कि मैं आपकी ये वाले जो स्टेप है ना उसमें मैं अच्छे से करूँ, उसमें मैं अच्छे से करूँ. मैं अभी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी भी. अरे युद्धवीर सिंह कालिया जी बिल्कुल आ जाएगी इंग्लिश. मिस्टर रिजवान मैं अभी चाहता हूँ कि थोड़ा हम इस पर और टाइम दें, अभी हम थोड़ा इस पर और टाइम दें. विकास सराज जी आपको डे वाइज पीडीएफ बहुत जल्दी मिलने लग जाएगी, जब एक बार सेकेंड डे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं आपको पीडीएफ दूंगा. ओके एंड मिस्टर रिजवान आपके कमेंट में अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और हम इस डे टू का ये वाले प्रोसेस में दें, क्योंकि एक तो आप अच्छा कर लो, मैं करवा तो सारे एक ही क्लास में दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ हम एक एक को एटलीस्ट दो दो तीन तीन दिन दें. आपका सेल्स में कोई भी आप ले सकते हो, अपने फोन के सेल्स, ठीक है, अपने टॉय कार के सेल्स, टीवी के सेल्स, कोई भी. दूसरा आपको क्या लिखना है कि फिर है फोर्थ आपका पांडा, फिफ्थ आपका जूते, पांडे का आपका एनिमल होता है चाइना में, फिफ्थ आपका जूते, सिक्स्थ आपका विस्की, और विस्की और ड्रग आपके एक नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है, विस्की और ड्रग्स आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं. मैं पहले बता देता हूँ, पॉजिटिव ये होगा आपका न्यूट्रल, मैं जीरो का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है. कैलरीज अगेन न्यूट्रल, और फेसबुक में न्यूट्रल. मैंने एक भी पॉजिटिव वर्ड आपको नहीं दिया, मैंने आपको एक भी पॉजिटिव वर्ड नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पॉजिटिविटी अपने में खुद भरें. पॉजिटिव वर्ड आए तो ठीक है, चलिए सबको आसान लगता है, मैं चाहता हूं खुद से पॉजिटिविटी भरें अपने दिमाग में थ्रू दीज नेगेटिव वर्ड्स. इन सारे न्यूट्रल और नेगेटिव वर्ड्स को आपको ठीक क्या करना है, आपको इन्हें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है. देखिए विस्की कैन बी गुड थिंग कैन बी बैड थिंग, ड्रग्स कैन बी गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, आपकी थिंकिंग ऊपर, एसिड कैन बी गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, कैलरीज यू ईट अ लॉट यू गेन अ लॉट ऑफ कैलरीज, दिस शोज दैट यू आर नेगेटिव. फेसबुक, फेसबुक से आप कुछ भी कर सकते हो. फेसबुक से सिर्फ ये नहीं ना कि फेसबुक से ये नहीं है कि आपको क्या करना है, आप चाहें तो फेसबुक से कुछ भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो. आप लोगों को सब थर्ड वर्ड समझ नहीं आ रहा है,
सेल्स, थर्ड वर्ड है आपका सेल्स, सी ई एल एल एस, जो आपके टीवी के रिमोट में डलते हैं ना सेल्स, ठीक है, जो आपके ब्लड में सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके रिक्षा शर्मा जी, मैं पक्का कर दूंगा आपके आंसर, यहां नहीं करना, वीडियो के खत्म होने के बाद या तो आप मेरे को कमेंट में करिए या मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे देता हूं, आप उसमें कमेंट करके मेरे को बताएंगे, या तो आप वीडियो के खत्म होने के बाद जो नीचे कमेंट्स होता है वहां पे अटेम्प्ट करेंगे, या फिर आप मेरे को क्या करेंगे कि आप मेरे को ईमेल आईडी पे भेजेंगे। अब ईमेल आईडी क्या, मैं आपको बता देता हूं, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com, या तो आप मेरे को इस पे लिख के भेजेंगे या फिर आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताएंगे। हाँ जी निधि शर्मा जी, अगर आप न्यू है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप इसको पूरा देखिए, मैं ये आपका मेरा सिक्स्थ लेक्चर है, ये मेरा सिक्स्थ लेक्चर है इसका, मेरे पहले की पांच वीडियो भी देखिए, उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है। और दूसरी चीज, अभी ये मैं डे टू का ये वाला प्रोसेस कल 38 और चलाऊंगा, ठीक है, कल मैं 38 और चलाऊंगा ताकि बच्चों को WAT से एटलीस्ट डर खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। ओके निधि शर्मा जी, जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सर नाइन्थ वर्ड समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नाइन्थ क्या है आपका, कैलरीज, अरे जो खाके कैलरीज नहीं हो जाती आपको, कैलरीज खाने वाली, अब समझ में आ गया कैलरीज। मिस्टर लेजेंड, मैं चाहूंगा आप इसको कमेंट में अटेम्प्ट करिए। ओके, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए कि अगर आप और किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डिफेंस के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे भी पैरेलली क्लास सेक्शन वाई ग्रुप की NDA CDS और DRDO MTS की क्लासेस भी चल रही हैं, DRDO MTS, तो आज ही जाइए और प्लीज इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके सारे डिफेंस के एग्जाम्स की सारी समस्या पूरी कर देगा। धीरज तिलक जी, एवरी डे एट 8:10 PM, हर दिन आपकी 8:10 पर आपकी क्लासेस होती हैं, 8:10 PM एवरी डे, और मैं कहूंगा ये मेरा सिक्स्थ लेक्चर है गाइस, इसके पहले के भी देखे जाके, ठीक है, ये मेरा सिक्स्थ लेक्चर, और मैंने एक गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस भी बनाया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस, उसी में है ये पूरा SSB से रिलेटेड ही है, मैंने सारा प्रोसेस अभी तक मैं समझाते जा रहा हूँ, उसको देखिए, एक हिट सेशन चल रहा है, और देखिए शुभम पाठक जी, बहुत जल्द आपको PDF में मिल जाएगा डे वाइज। हाँ जी, हर दिन होगा मंडे टू फ्राइडे 8:10 पर सेम चैनल पे, मंडे टू फ्राइडे आपको मैं हर दिन मिलूंगा। ये सिक्स्थ लेक्चर है, जाके पहले इन 6-5 लेक्चर को भी देखा, आपको समझ में आएगा कि हाँ आप क्या मिस कर रहे हैं क्या नहीं, जाके देखिए जरूर। ओके, दूसरा प्लीज यार, इस चैनल पे जाओ सब्सक्राइब करो अपने, इन सारे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो जरूर करो, क्योंकि ये चैनल पे आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी फॉर डिफेंस। ओके, बेस्ट फैकल्टी मिलेगी फॉर डिफेंस। ओके, अगला और दूसरी चीज, मेरे से कोई पूछा था सर आपका अनअकैडमी पे कोई कोर्स चल रहा है, मैं बता दूं मेरा करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है NDA का, लेकिन वो है सारे एग्जाम्स के लिए, आपके SSC UPSC सारे एग्जाम्स के लिए, करंट अफेयर NDA सारे एग्जाम्स के, मेरे डिफेंस का कोर्स चल रहा है करंट अफेयर्स, जिसमें मैं आपके अक्टूबर से लेकर आपके मार्च तक सारे करंट अफेयर्स मैंने कवर करवाए हैं, अक्टूबर से लेकर क्या मार्च तक, और भाई 2 हफ्ते में मैं पूरे कंप्लीट करवा रहा हूँ, कुछ करना नहीं आपको, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर आप, तो उस पर प्रणव टैंक का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्रणव टैंक का कोड यूज करने पे, और अन्य किसी जानकारी के लिए आप 844-844-7780 पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपको पूरी गाइडेंस दे देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इस कोर्स के बहुत फायदे हैं, आप जाइए जरूर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सर प्लीज कैन यू, टाइमिंग फिर से बता दूं, 8:10 पे, 8:10 पे मंडे टू फ्राइडे, और मैं ठीक है ईमेल आईडी अपनी एक बार फिर से लिख देता हूं, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com। प्रणव दत्ता 1402@gmail.com, PRANAVDUTTA दत्ता
1402@gmail.com। ओके, हर दिन मेरे साथ जुड़िए। जो मेरे ये पहली बार लेक्चर देख रहा है, मैं आपको बता दूंगी मेरा छठा लेक्चर है सीरीज में, जरूर जाइए पहले की वीडियोस को भी देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जाके चैनल पे, उन पांचों वीडियोस को देखिए, गर्ल्स एंड आर्म्ड फोर्सेस की वीडियो भी है उसे भी जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा प्लीज राइट इट ऑन राइट साइड, ओके ओके, अच्छा ठीक है मेरे को समझ में आ गया। प्रणव दत्ता 1402@gmail.com, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com। आदि निधि शर्मा जी बिल्कुल कर सकती हैं आप। ओके थैंक यू मिस्टर पाटिल फॉर टेलिंग मी। लेजेंड गेमिंग जी यस, मेरी मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं, मेरी मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं, लेकिन वो मेरे डिफेंस चैनल पे होती हैं, जो हमारा वाईफाई सिटी डिफेंस है। ओके मैं आपको एक बार उसका भी बता देता हूँ। देखिए डिफेंस चैनल पे अगर आप आएंगे मैं आपको बता दूँ और क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर है। मैं आपके लिए सुबह एक तो 7 AM पे लेके आता हूँ आपके लिए नो ईयर आर्मी टर्म्स, बाकी आपको शेड्यूल जो अगर आप लिंक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आपको मिल जाएगा। नो ईयर आर्मी टर्म्स में हर दिन एक अलग से आर्मी एक टर्म आपको बताता हूँ जो आपको पता नहीं होगा। जैसे आज मैंने क्या बताया, T90 भीष्म टैंक क्या होता है, T90 भीष्म टैंक क्या होता है। दूसरा एट 2:30 PM मैं आपके लिए लेके आता हूँ नो ईयर आर्मी हीरोज, नो ईयर हीरोज। आज मैंने उसमें करा ब्रिगेडियर चंदपुरिया, बैटल ऑफ लोंगेवाला के हीरो, उनके ऊपर मैंने ये करा पूरा। तो इन दोनों का आप देखेंगे तो आपके पास SSB में बोलने लायक बहुत चीजें होंगी, मैं कहूंगा इनको जरूर देखिए, इनको जरूर देखिए। ओके और ये डिफेंस चैनल पे होती है, वाईफाई से डिफेंस, ये वाईफाई से डिफेंस पे होती है। ओके तो चलिए अब कल मिलेंगे अपने इसी सेशन के साथ। मैं चाहता हूँ आप सारे वो वर्ड्स अटेम्प्ट करें WAT में, और मेरे को विश्वास है कि अगर आप सारे मेहनत करेंगे तो मैं भी मेहनत कर ही रहा हूँ, और हम दो सारे मिलके एक क्रांति लाएंगे देश में, और हर एक घर से आपको, ठीक है, और हर एक घर से आपको एक ऑफिसर मिलेगा। पूजा चौधरी जी अगर आपको PIQ के लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आ रहे तो मैं कहूँगा PIQ वाली वीडियो एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए वीडियो, तब भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे को मेल कर सकती हैं, मैं आपके मेल की पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। ओके ओके चलिए बायस, गुड नाइट, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत, एंड होपफुल कि आप सबके मंजिल आपको मिले, ठीक है, आप सारे ऑफिसर्स बनिए और मेरे नो योर रियल लाइफ हीरोज में आपको फ्यूचर करने का भी मौका मिले। ओके तो बायस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड भारत माता की जय। ओके बाय बाय, टेक केयर।